दोस्तों, मैं हूँ ज्योति झा और इंडियन फूड विद ज्योति में आपका स्वागत है। तो आज मैं आपके लिए बिल्कुल ही नए स्टाइल की एक रेसिपी लेके आई हूँ, जो कि पोखरण की बहुत ही फेवरेट डिश मानी जाती है और यहाँ लोग इसे बहुत ही चाव से खाते हैं, जो कि राजस्थान में सबके घरों में बनाई जाती है। और ये पोखरण स्टाइल की मैं आपको बता रही हूँ मिर्ची बड़ा। ये मिर्ची के बड़े बनाए जाते हैं बेसन में डाल के और ये बहुत ही टेस्टी बनते हैं। तो चलिए आज मैं आपको इसे बनाने के लिए बता रही हूँ कैसे बनाएं आप। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपने इंडियन फूड विद ज्योति को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप फटाफट सब्सक्राइब कीजिए और पास में दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और लाइक और शेयर करना ना भूलिए। तो देखिए फ्रेंड्स, मिर्ची बड़ा बनाने के लिए मैंने ये 250 ग्राम मिर्च लिया है, जो कि मैंने बड़ा वाला मिर्च लिया है और ये बिल्कुल फ्रेश मिर्च है। बड़े बड़े साइज का लीजिएगा आप, अच्छा सा। और इसे मैंने अच्छे से धो के साफ कर लिया है, पानी नहीं रहना चाहिए, अच्छे से धो लीजिएगा आप भी। और ये देखिए, ये मैंने 8-10 मीडियम साइज के आलू लिए हैं, जो कि मैंने बॉईल कर लिया है पहले से ही। और ये मैंने 250 ग्राम बेसन लिया है। तो चलिए अब हम लोग इसे बनाते हैं। तो देखिए, अब मैं इस मिर्च को अच्छे से इसमें चीरा लगाऊंगी। आप चाकू की हेल्प से इसमें अच्छे से चीरा लगाइए। बीच बीच में आपको इसे काटना है। पहले आप साइड काट दीजिए इसका और उसके बाद बीच से अच्छे से इसमें चीरा लगाइए, इस तरह से। अब ये मैं दूसरे में भी इसी तरह से चीरा लगाऊंगी। इसी तरह से आपको सारे में आप चीरा लगा लेंगे एक एक करके। तो देखिए फ्रेंड्स, इसी तरह से हमें सारे को अच्छे से चीरा लगा लेना है। अब मैं एक बाउल लूंगी और उसमें मैं डालूंगी बेसन। ये जो मैंने 250 ग्राम बेसन लिया था, उसे मैं इसमें डाल दूंगी। उसके बाद मैंने ये लिया है इसमें मिर्च पाउडर, थोड़ा सा इसमें मिर्च पाउडर डाला है। और ये मैंने हल्दी पाउडर डाला है। थोड़ा सा इसमें अजवाइन डालेंगे। थोड़ा सा नमक डालेंगे स्वाद के अनुसार। और उसके बाद ये मैंने फूड कलर डाला है, ये केसरिया फूड कलर है, जो कि आपका जो पकौड़ा बनेगा, बड़ा बनेगा, वो बहुत ही अच्छा बनेगा, कलर अच्छा आएगा। अब मैं इसे अच्छे से मिक्स कर दूंगी। इसमें थोड़े थोड़े पानी डाल के इसे अच्छे से फेंटना है। ब्लेंडर के हेल्प से आप इसे फेंटिए, या अगर ब्लेंडर नहीं है तो आप इसे हाथ के सहायता से भी आप इसे अच्छे से फेंट सकते हैं। तो इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के ही आपको फेंटना है। अगर आप ज़्यादा पानी डालेंगे तो ये पतला हो जाएगा, तो वैसा घोल हमें नहीं बनाना है, ना ये ज़्यादा पतला हो ना ही ज़्यादा ये मोटा गाढ़ा हो। तो इसका बिल्कुल अच्छा सा इसको पेस्ट बनाना है इसका। तो ये देखिए, ये बहुत ही अच्छा पेस्ट बना है, इसे मैंने फेंट लिया है बढ़िया से। अब मैंने एक कढ़ाई लिया है, उसमें मैं थोड़ा सा ऑयल डालूंगी। ये मैंने मस्टर्ड ऑयल यूज किया है, आप चाहे तो कोई भी कुकिंग ऑयल यूज कर सकते हैं। अब मैंने इसमें जीरा डाला है आधा चम्मच। के बाद मैंने दो हरी मिर्च डाली है कट करके। ये मैंने प्याज डाला है एक मीडियम साइज का। अब हम इसे
मिक्स कर देंगे। इसके बाद मैंने ये अदरक का पेस्ट क्रश करके अदरक डाला है। आप चाहे तो इसमें लहसुन भी डाल सकते हैं। अब ये जो मैंने आलू बॉईल करके रखा था इसे मैं पेस्ट करके, इसे मैं मैश करके अच्छे से हाथों के हेल्प से डाल दूंगी सारे आलू को और इसे मिक्स कर दूंगी। कि मैंने अच्छे से मिक्स कर दिया है। आप इसमें ज़्यादा ऑयल नहीं डालें, ज़्यादा ऑयल डालने से आपका जो ये मसाला बनेगा वो अच्छा नहीं बनेगा और भरने में आपको बहुत ही कठिनाई होगी। तो अब हम इसमें डालेंगे हल्दी पाउडर, थोड़ा सा हल्दी पाउडर डालें। और मैंने इसमें ये मिर्च पाउडर डाला है, थोड़ा हरी मिर्च भी डाली है मैंने, इसीलिए इसमें मिर्च कम ही डालें। अगर आप तीखा खाना पसंद करते हैं तो ज़्यादा डालें। और ये मैंने थोड़ा सा जीरा पाउडर डाला है, धनिया पाउडर, अब हम इसे मिक्स कर देंगे अच्छी तरह से। ये मैंने नमक डाला है, और इसे हम मिक्स कर देंगे। अच्छे से इसे मिक्स करके हल्का सा फ्राई कर लें, ज़्यादा इसे नहीं भूनना है। अब ये मैंने इसमें डाला है अमचूर पाउडर एक चम्मच। और ये थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर, और इसे हम मिक्स कर देंगे। अमचूर पाउडर ज़रूर ही डालें आप, इसमें अमचूर का जो फ्लेवर आता है वो बहुत ही अच्छा आता है। खटाई होना चाहिए मिर्ची बड़े में, नहीं तो आपका मिर्ची बड़ा अच्छा नहीं लगेगा। तो ये देखिए ये बिल्कुल हो चुका है। अब हम इसमें डालेंगे धनिया की पत्ती थोड़ी सी, और इसे हम मिला देंगे। उसके बाद ये आपका जो है धनिया, बिल्कुल मसाला आपका तैयार हो चुका है। अब देखिए हम लास्ट में इसमें डालने वाले हैं पुदीना की पत्तियाँ, जिसे मैंने सुखा के रख दिया है। तो ये सब चीज़ जब मैं बनाती हूँ तो इसका यूज़ करती हूँ। तो ये मैंने सूखा हुआ जो है पुदीना की पत्ती वो डाल रही हूँ। अगर आप फ्रेश डालना चाहें तो वो भी डाल सकते हैं। और ये जो पुदीना की पत्तियाँ हैं इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है, तो ये आप ज़रूर ही डालें मिर्ची बड़े में। ये डाल के मैं इसे मिक्स कर दूँगी। तो ये देखिए बहुत ही अच्छा टेस्ट लग रहा है, आपको देखने में भी अच्छा लग रहा है और खाने में भी अच्छा लगेगा। ये मसाला तो हमारा तैयार हो चुका है। देखिए फ्रेंड्स अब हम इसे दूसरे बर्तन में निकाल लेंगे। ये देखिए ये मैंने सारा निकाल लिया है इसमें। अब हम अगला प्रोसेस करेंगे। तो ये देखिए अब जो ये मसाला है ये ठंडा हो चुका है, और ठंडा होने के बाद ही आप मिर्ची में भरें। तो ये मसाले को थोड़ा थोड़ा करके हमने जो चीरा लगाया था उसके बीच बीच में आपको अच्छे से फिलिंग करना है, और आप बीच में भर के उसके बाद इसके साइड साइड से भी आप इसे कवर कर दें इन मसालों से, इसे अच्छे से भर लें। ये देखिए मैंने इस तरह से इसे अच्छे से पूरी कवर कर दिया है। इस तरह से बनाना है। अब मैं दूसरा भर दूंगी। तो इसी तरह से इसे भरना है।
तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये बहुत ही अच्छा बनता है। ये जो आपका मिर्ची बड़ा है, ये पोखरण में बहुत ही ज़्यादा बनाया जाता है, तो आप इसे घर में बना सकते हैं। इसी तरीके से आराम से आप बना सकते हैं। उसके बाद देखिए ये कितना सुंदर लग रहा है। ये मैं तीसरा भरूंगी इसी तरह से। देखिए ये मैंने तीसरा भी भर दिया है और इसी तरह से मैं सारे को भर दूंगी। और फ्रेंड्स, अगर आपका ये जो मसाला है अगर बच जाता है तो आप परेशान ना हो, आप इस मसाले का यूज़ आप सैंडविच बनाते हैं तो आप ब्रेड सैंडविच में भी कर सकते हैं, या आलू पराठा बनाएंगे उसमें भी यूज़ कर सकते हैं, या आलू टिक्की बनाना चाहते हैं तो उसमें भी यूज़ कर सकते हैं। तो बहुत सारी चीज़ में आप इसे यूज़ कर सकते हैं अगर बच जाए तो। इस तरह से आप कवर करके सारे मिर्ची जो है उसे आप भर लेंगे। तो ये जो है आपका तैयार हो चुका है। तो ये देखिए ये सारे मिर्ची भर चुके हैं। अब हम अगला प्रोसेस करेंगे। ये मैंने तेल गरम करने के लिए चढ़ा दिया है कढ़ाई में, और ये मैंने मस्टर्ड ऑयल लिया है क्योंकि इसमें ज़्यादा ही अच्छा बनता है। और अगर आप दूसरा ऑयल लेना चाहते हैं तो आप कोई भी ऑयल यूज़ कर सकते हैं, कुकिंग ऑयल। तो ये मैंने जो रखा हुआ था बेसन घोल के पहले ही, अब मैं इसमें बेकिंग सोडा डालूंगी क्योंकि पहले मैंने नहीं डाला था। इसे जब आप बनाएं उसी समय जब आप छानना स्टार्ट करेंगे उससे पहले ही आपको इसमें डालना है। तो ये मैंने इसमें डाला है 1/4, ये जो है बेकिंग सोडा डाला है, और इसमें हम इसमें थोड़ा सा पानी डाल के इसे फेंट देंगे। ज़्यादा बेकिंग सोडा नहीं डालें आप, नहीं तो आपका जो है ये अच्छा नहीं बनेगा। और इसे आप अच्छे से फेंट दें फिर से। तो ये देखिए ऐसा आपका टेक्सचर होना चाहिए, बहुत ज़्यादा पतला नहीं करें। तो इस तरह का ही आपको बैटर तैयार करना है। ये देखिए हमारा जो है तेल वो गर्म हो चुका है। अब हम इसे चेक करेंगे थोड़ा सा बेसन डाल के। तो ये देखिए ये बिल्कुल ही परफेक्ट है अब छानने के लिए। अब हम इस तरह से एक एक मिर्च जो है हमने जो भर के रखा हुआ है उसे हम लेंगे और डंठल पकड़ के अच्छे से इसमें पूरा फिलिंग जो है बेसन का ऊपर से इसमें डालेंगे, अच्छे से इसको बिल्कुल कवर कर लेंगे बेसन से, और उसके बाद हम इसमें तेल में डाल देंगे। इसी तरह से हम दूसरा भी डाल देंगे। मैंने दूसरा भी डाल दिया है। तो इसी तरह से आप इसे पलट पलट के अच्छे से और इसे गोल्डन ब्राउन होने तक पका लेना है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इसे पलटने के लिए आप चिमटा का यूज़ कर सकते हैं, इसे अच्छे से आप पलट सकते हैं। देखिए कितना अच्छा लग रहा है दिखने में। ये देखिए ये हो चुका है, कलर इसका चेंज हो रहा है। अब हम इसे निकाल लेंगे प्लेट में। ये मैंने दूसरा भी निकाल लिया है प्लेट में। अब इसी तरीके से हम और जो मिर्ची बड़े हैं मिर्ची हैं उसे हम छान लेंगे। इस तरह से मैंने चार मिर्ची एक साथ डाल दिया है इसमें, और मैं इसे अच्छे से पलट पलट के इसे पका लूंगी।
बढ़िया से सिकना चाहिए दोनों साइड से, नहीं तो बेसन कच्चे रह जाएंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हो चुका है। अब मैं ये सारे निकाल लूँगी तो आप इसे आराम से बना सकते हैं इसी तरीके से। तो आपका मिर्ची बड़ा बनके तैयार हो चुका है। तो ये पोखरण स्टाइल मिर्ची बड़ा है, आप भी इसी तरह से बनाएं अपने घर पे। ये देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं। तो आपके घर में अगर कोई गेस्ट आ जाते हैं तो आप फटाफट इस ये रेसिपी बना सकते हैं। और ये पोखरण का फेमस मिर्ची बड़ा है जो कि बहुत ही बनाया जाता है, तो आप इसे ज़रूर ट्राई करें एक बार बना के। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें, और कैसा लगा अपने अनुभव मेरे साथ ज़रूर शेयर करें। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।